शर्मा, आज हम दो अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे। चित्र देखकर शब्द लिखो। आपको इस चित्र इन चित्रों को देखना है और यहाँ पर शब्द लिखना है। जैसे मैंने लिखा, ये किसका चित्र है? आम। 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 ये किसका चित्र है? ईख। तो आपने क्या लिखा यहाँ? ईख। ईख। ये किसका है? ऊन। तो आपने क्या लिखा यहाँ? ऊन। ऊन। अब नेक्स्ट आप लिख के बताओ एक बार, ये किसका चित्र है? बस। तो आप लिख के बताओ यहाँ। अब इसमें क्या लिखना है? बस लिख के बताओ। इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह की वर्कशीट अगर आप बच्चों को देते हैं तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप बच्चों को पेंसिल से ही वर्क करवाएं, ताकि आपको वर्कशीट बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े, आप उसे ही इरेज करके उस पर वर्क करवा सकें। दो अक्षर वाली एक और वर्कशीट यहाँ पर अवेलेबल की है मैंने। घर, फल, हल, नल, एक। भिन्न शब्द छांटो। अब यहाँ पे एक नई एक्टिविटी में लाई हूँ, इसमें से आपको ये जो चार वर्ड लिखे हुए हैं, इसमें से जो एक अलग है उसको आपको सर्कल करना है। रेडी? चल चल, चल चल, जल जल, चल चल। अब जल अलग है तो अपन उसको सर्कल करेंगे। वेरी गुड। इस तरह की वर्कशीट से आप बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट जगा सकते हैं, इससे उनकी वोकेबुलरी भी अच्छी होगी और पढ़ने का भी उनकी इच्छा जागृत होगी। अक्षर मिलाकर शब्द बनाओ। क प, क प, क प। आपको यहाँ लिखना है क प, इस तरह से। अब आप नेक्स्ट मिलाओ। नेक्स्ट कल, कल कल। लिखो। दो अक्षर वाली एक और वर्कशीट यहाँ पर मैंने अवेलेबल की है, जिसमें आप एक जो मेन वर्ड है उसको आप बीच में सर्कल में लिख दीजिए, फिर इस तरह से उससे जुड़ते हुए बाकी जो शब्द अक्षर हैं वो बाहर लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ न लिखा, न ल, न ल, यहाँ बच्चे को लिखना है नल। जल, इसमें लिखना है आपको जल। इस तरह की वर्कशीट भी आप बच्चे को अपने दे सकते हैं। मैं वर्कशीट का भी एक वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर वर्कशीट का यूज़ कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो होगी तीन अक्षर वाले शब्दों के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ। Share video.